जब कभी भी लव जिहाद की बात आती है तो कई सारे लोग इसे संशय की दृष्टि से देखते हैं। कुछ इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते हैं और कुछ सादा झूठ। लेकिन झारखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सारे सवालों के ऊपर विराम लगा दिया है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। हम लगातार आपको झारखंड से सामने आए तारा सहदेव के लव जिहाद के मुद्दे के बारे में बताते रहे हैं और अब जाकर 9 साल के लंबे इंतजार के बाद इस मामले में हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है। ना सिर्फ सजा सुनाई है बल्कि पूरे नेक्सस का भांडा फोड़ करके रख दिया है। आज के वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या था तारा सहदेव का मामला। लव जिहाद की घटनाएं आमतौर पर जब सामने आती हैं तो पीड़िता कोई बेचारी सी महिला होती है। पीड़िता को एक ऐसी युवती होती है जिसकी बात सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता, उसकी बातों को झूठ बता दिया जाता है। लेकिन झारखंड से जो मामला सामने आया इसमें पीड़िता कोई और नहीं बल्कि नेशनल शूटर थी। एक ऐसी शूटर जो भारत के लिए गोल्ड मेडल्स लेकर के आ रही थी। तारा सहदेव ने जब सबसे पहले मीडिया के सामने आकर अपनी कहानी सुनाई तो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तारा सहदेव को अपनी बात बताने के लिए ही लंबा इंतजार था। तारा सहदेव ने बताया कि किस तरह एक लड़का रंजीत कोहली बनकर उससे मिला। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और तारा को रंजीत से प्यार भी हो गया। लंबा समय साथ बिताने के बाद जब तारा सहदेव की रंजीत कोहली के साथ शादी हुई तो पता चला कि वो रंजीत नहीं रकीबुल हसन था। 7 दिन से वो इंसान ये भी नहीं कबूल कर रहा था कि वो रकीबुल खान है। अगर मेरे पास सबूत होता तो मैं आप लोगों के पास नहीं आती। जो मेरे पास था वो मैंने 7 दिनों से कहा, आज वो बात सामने आई, उसने माना। तो जब ये बात सामने आई, क्यों, जब बड़े उच्च स्तरीय जांच की बात आ रही है, तब वो लोग जो उसे छुपा रहे थे आज वो उसे सामने ला रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि अगर तुम अभी पीछे हटते हो तो फिर हम सारे फंसेंगे, ये बात आपके सामने है। तो इस चीज को वो कभी नहीं मानेगा। तो जांच किस चीज की होती है? जो हमारे सामने नहीं है उसी को तो आप जांच करके निकालोगे। शादी के बाद अपनी ससुराल पहुंची तारा सहदेव को अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया गया। लंबे समय तक उसे कमरे में बंद करके रखा गया। उसे इस्लामिक किताब पढ़ने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान जब उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो रकीबुल हसन के साथ उसकी माँ ने भी तारा सहदेव के साथ तरह तरह की प्रताड़नाएं की। सप्ताह सप्ताह तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया और तो और उसे घर के पालतू कुत्तों से कटवाया गया। लंबे समय तक ये प्रताड़ना झेलने के बाद जब तारा सहदेव को लगने लगा कि अब स्थिति उसके हाथ से निकल गई है तो वो पुलिस के पास पहुंची। मामला दर्ज हुआ लव जिहाद का। ये समय आज से 9 साल पहले का था। कोई लव जिहाद की बात मानने तक को तैयार नहीं था। तारा सहदेव को लोग पागल कहने लगे, लेकिन तारा सहदेव अपनी लड़ाई लड़ती रही और अब जाकर 9 साल के बाद CBI जांच के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में 3 लोगों को सजा सुनाई है। सबसे पहले सुनिए कि तारा सहदेव के वकील का इस मामले में क्या कहना है। आज लव जिहाद केस रांची में फैसला आया, अब अपराधियों को सजा सुनाई गई। झारखंड की राष्ट्रीय शूटर तारा सहदेव को जबरन धर्म परिवर्तन एवं खुद को हिंदू बताकर धोखे से शादी करने और बाद में उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने एवं ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई करने के जुर्म में आज रांची की स्पेशल CBI जज ने रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ उनकी मां केसर रानी को 10 साल की सजा सुनाई और उनके मुख्य सहयोगी मुश्ताक अहमद पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस रांची हाई कोर्ट को 15 साल की सजा सुनाई। इस केस में इस न्यायालय के निर्णय के बाद ये स्थापित होता है कि लव जिहाद कोई प्रोपोगंडा नहीं है। ये आज की सजा और आज का निर्णय ये बताता है कि लव जिहाद हकीकत में समाज के विधर्मी वर्गों के द्वारा चलाया जा रहा है, लगातार चलाया जा रहा है। CBI के जांच के बाद रांची हाईकोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है।
इस मामले में जहां एक तरफ जज पीके शर्मा ने तारा सहदेव के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, वहीं हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में रकीबुल हसन की मां भी सह आरोपी थी और इस मामले में उन्हें भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये तो सजा की बात हुई, ये तारा सहदेव की बात हुई। तारा सहदेव के इस संघर्ष ने न जाने कितनी युवतियों का आवाज दी होगी। इसके साथ ही तारा सहदेव की इस कहानी और इस फैसले ने एक नेक्सस का भी खुलासा किया है। इस फैसले ने ये धागे खोल कर रख दिए हैं कि किस तरह लव जिहाद के मामले में सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल होता है। परिवार के साथ जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे, सरकारी पदों पर काम कर रहे, रजिस्ट्रार जैसी कुर्सी पर बैठे लोग भी अपने धर्म और संप्रदाय के लोगों की मदद करते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि वो फूली फाली लड़कियों को फंसाकर उन्हें लव जिहाद के जंगल में फंसा सके। तारा सहदेव की कहानी कई सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेगी, उनके लिए हिम्मत बनेगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो डरिए मत, खुलकर अपनी बात रखिए और भले ही लंबे इंतजार के बाद आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसके साथ ही इस मामले के बाद जो लोग लव जिहाद को ख्याली पुलाव बताते थे उनके जबान भी बदल हो गए होंगे। तारा सहदेव के इस मामले के बाद आपको क्या लगता है, क्या इसके बाद लड़कियों में ताकत आएगी कि वो लव जिहाद के लिए आवाज उठा सके, कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही इस तरह के मामलों से लगातार अपडेट रहने के लिए और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम Facebook, Twitter और Instagram पर भी मौजूद हैं, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।